हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मिस योजना शेखावत ने ये कमेंट किया है कि मैं राजपूती पोशाक को जो कटिंग करते हैं वो अगर हम पेपर से कटिंग करना चाहें तो आसान रहता है, तो इसलिए मैं उन्हें आज पेपर कटिंग बताने के लिए स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उनको थैंक्स कि उन्होंने मेरे को ये बनाने के लिए सजेस्ट किया। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे जो डबल होगा इस तरह से, फिर हम इस पर पेपर मार्किंग करेंगे। पेपर पर मार्क कर लेंगे इस तरह से, पेन से हल्का हल्का सा मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा गोलाई में और फिर एकदम सीधा ले लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए आप, ये इस तरह से शेप आ जाएगा। फिर हमें सीजर लेके इसे यहाँ से स्लोली स्लोली कट कर लेना है। अगर मान लीजिए ये तो मैं अपने साइज का ही काट रही हूँ, माने अगर एक जो ऐसी पूरा जो हथेली का हिस्सा होता है जिसे हम एक प्लांट बोलते हैं, या फिर आप यहाँ से ले लो तो ये टोटल पूरी जो है 16 अंगुलियाँ, अगर हम इसको खड़े में ऐसे नापे तो 16 अंगुलियाँ मैंने ली है, 16 फिंगर के साइज से किए। अगर मान लो आप अगर थोड़े हेल्थ में हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो आप इसमें से 2 फिंगर और बढ़ा दीजिएगा तो मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह के शेप में पूरा बन जाएगा। तो ये गले के शेप का कट चुका है, ये नीचे से थोड़ा सा गोल शेप में नहीं आया है तो मैं इसको वापस थोड़ा सा कट कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक सा। ओके, तो ये गले की डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम इसी तरह का एक पेपर लेंगे जो पहले के जैसे ही फोल्ड है, देखिए कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको यहाँ से वापस फोल्ड करूँगी, डबल तो है ही है, उसको मैं वापस पूरा है जैसे के जैसे और फोल्ड करूँगी जिस तरह से। एक हाथ में फोन और बहुत ही मुश्किल हो जाता है पकड़ना। अब इस तरह से इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके जमा देंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मली 8 फिंगर लिए जो मेरी साइज़ है। मतलब मैं अगर 8 फिंगर लूँगी तो उस हिसाब से मेरे वो शेप के लिए कांचली की जो टुक्की बनती है वो आराम से बन जाएगा। तो आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, 8, जैसे मैंने 8 या 10 लिए, तो आप अगर आप थोड़े हेल्थ में हैं तो आप 12 से 14 ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उससे भी ज़्यादा अगर हेल्थ में है तो और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साइज़ में आप पेपर कटिंग कर रहे हैं ना, अगर आप वो का वो अगर आप उससे उसी को अगर आप कपड़े पे रख के कटिंग करें, मतलब आप कपड़ा कट करें, तब उसको कपड़े को 1 फिंगर हमेशा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, ताकि जब आप अंदर से फोल्डिंग करें तो वो कपड़ा फोल्डिंग के लिए काम आ जाएगा। मतलब जो आपने पेपर कटिंग किया है वो एज इट इज़ उसके बराबर मत लीजिएगा, वो अपनी साइज़ है, साइज़ से थोड़ा सा बड़ा हमेशा लीजिएगा ताकि वो फोल्डिंग के लिए काम आ जाएगा। अंदर के साइड में फोल्डिंग होगा जिससे गुना वगैरह बाहर नहीं दिखेगा, वरना जो गोल्डन और सिल्वर कलर के जो गुनाज होते हैं वो काफ़ी चमकीले टाइप्स होते हैं, जो शरीर में चुभन सी होती है उनसे, तो हमें फोल्डिंग करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, तो 1 फिंगर एक्स्ट्रा रखनी ही चाहिए ताकि हम फोल्डिंग कर सकें। ये टुक्की का जो भाग है वो हो गया है, थोड़ा शेप में ले लेती हूँ मैं इसे। ओके, अब ये बराबर है। अब जो गला गले का जो शेप है, ये गले का पार्ट है, ये तो कुर्ती के लिए है, ठीक है। और जो ये टुकी है ये कांचली के लिए है। अभी कांचली के और भी पीस है जो कटिंग करना है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। हमें इसी तरह का पेपर और लेना होगा, हम लेंगे और इसे बराबर से एक साइड से एक
आयत के हिसाब से आपने देखा होगा, तो उस साइज से मतलब जो इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी और चौड़ाई मिनिमम अगर आप लेना चाहे तो 8 से 10 अंगुली आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, और लंबाई आप इसकी चाहे तो 12 से 14 तक ले सकते हैं फिंगर अगर आप बोले तो। बस ये हो चुका है, आप लंबाई ले तो ये 12 से 14 और जो चौड़ाई है वो आप 10 तक, 8 से 10 तक ले लीजिए। मैं ये अपने साइज़ का, ये भी डबल है सो मैं इनको भी बाद में कट कर लूँगी। आप हमेशा इनको डबल ही करके कट कीजिएगा, से ये पेपर क्या है ना ज़्यादा टाइम तक रहेगा और मैं आपको आगे बता भी दूँगी। जो आप ये मैं अपने साइज़ का कर रही हूँ, अगर आप थोड़े हेल्थ में हो तो इससे थोड़े से दो दो फिंगर बड़ी कर लीजिएगा, अगर आप थोड़े हेल्थ में कम हो तो इससे दो दो फिंगर कम कर लीजिएगा। ये जो नेक्स्ट है ये इसी जो मैंने अभी खड़पे का जो पार्ट आपको बताया था जो थोड़ा बड़ा था, ये उससे आधा हो समझ लीजिए आप, उसके आधा बराबर होता है ये इसको भी इसी तरह निकाल लेना है। ये भी मैंने डबल करके ही लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इसी तरह का डबल वापस लेना है, और इससे हमें गले का शेप जो मैंने गले की डिज़ाइन के लिए जो कुर्ती के लिए मैंने कटिंग किया था पेपर, उसको इसके ऊपर रख के मैं उसके जैसा एक और कट कर लूँगी। क्योंकि जो ये गले का अपन जो कपड़ा निकालते हैं ना गले का शेप लेने के बाद कुर्ती का, उसी कपड़े से हम जो कांचली का जो एक नीचे का पार्ट होता है जिसे हम टुक्की के नीचे जोड़ते हैं, वो इसी भाग में से निकलता है, इसी के अंदर से वो कपड़ा निकाला जाता है, वो एक्स्ट्रा कहीं नहीं आता क्योंकि वो उसी शेप में कट जाता है। अगर मान लीजिए आपसे कभी ये वेस्ट हो जाए या सही से नहीं कटे, अगर आप जो गले का शेप निकालते हैं उससे अगर आपसे सही से नहीं कटे, तो ये आपके पास जो पेपर कटिंग बची होगी ना आप उसी से किसी और कपड़े पर रखकर उसकी बराबर साइज में काट सकते हैं, इसलिए ये भी जरूर रखना चाहिए अपने पास में। अब मैंने ये उसके जैसा दूसरा कट कर लिया है, ये देखिए इसके बराबर ही है। अब मैं इसको हटा लूँगी। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो दो फिंगर लीजिएगा, जैसे अभी आप थोड़े हेल्दी हो तो दो फिंगर लीजिएगा। मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ, मैं मीडियम साइज़ हूँ तो मैं एक फिंगर ही कट करूँगी नीचे से, ताकि फिर वो मेरे साइज़ का ऊपर करा जाएगा, वरना हम जो नीचे का पार्ट है वो ज़्यादा पतला रहेगा तो अपने साइज़ में नहीं आएगा। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ले लेंगे, 6 से 7 फिंगर तक ही ले लेंगे, फिर हम इसे साइड से बिल्कुल बारीक सा ये ट्रायंगल में कपड़ा निकाल लेंगे। अभी हाल फिलहाल मेरे पास पेपर है तो मैं पेपर से बता रही हूँ। अब ये भी डबल बार हो चुका है, और इसको हमें यहाँ से क्या करना है, कट कर लेना है। जो डबल है ना इसको हमें सिंगल कर लेना है, मतलब इस डबल पेपर को कट कर लेना है और इन दोनों को अलग कर लेना है। कट करने के बाद अलग कर ले, और अब ये जब जुड़ेंगे ना तो आप इनकी सिलाई इस तरह से लीजिए, जो तिरछा वाला भाग है वहाँ से इनको आप दोनों को सिल लीजिए उल्टा करके जो कपड़ा हो उसको। इसके बाद जो साइड का जो छोटा पेपर हमने काटा था जो खड़पे का आधा था मतलब आधे साइज़ में, उसको भी हम अलग कर लेंगे ये इस तरह से। ये इनके जस्ट पास में जुड़ते हैं दोनों साइडों में, और जो टुक्की होती है वो भी मैं अभी देखो दोनों अलग कर लेती हूँ। ये दोनों टुकी को भी मैंने अलग कर लिया है। अब ये टुकी जो है यहाँ से शुरू होके इसको जब आप जोड़ेंगे गोलाई तक, यहाँ से जोड़ते हुए ये गोलाई तक जुड़ते जुड़ते यहाँ तक पहुँच जाएगा इतना, और जो फिर वेस्ट कपड़ा आप उसे चाहे कट कर लीजिए। और ये इस तरह जुड़ने के बाद जो ये खड़पे का कपड़ा उसे भी हमें जो पेपर है उसको भी अलग कर लेना है कट करके बीच में से। अब देखिए जो वेस्ट कपड़ा वो निकालने के बाद आप टुक्की से और वो जो नीचे वाला भाग है कड़पे के जो पास में जुड़ता है उसके बराबर वो बराबर आ जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर उसके पास में हमें इस कड़पे को लगा देना है। ये जो पार्ट है ये तो गले का शेप कटेगा जो कुर्ती होती है उसके लिए, और ये जो बाकी है ये पूरे कांचली के पार्ट हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा,
और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ कटिंग के ऊपर। मैं उसमें राजपूती पोशाक की फिर से कटिंग बताने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं किसी कारण से जो कांचल की कटिंग थी वो वीडियो पहले सेव नहीं हो पाया था, तो मुझे ऐसे ही कपड़ा रख के समझाना पड़ा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।